हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा 5.3 का दूसरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। दो के पहला है 7 + 10.1/2 + 14 + ……84। यानी कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा योगफल को हमको ज्ञात करना है एसएन का। तो एसएन निकालने के लिए हमको ज़रूरत होता है ए का और डी का और एन का। ये तीनों चीज़ हमको पता होता है तब हम योगफल निकालते हैं, जिसमें मेरा पहला पद दिया हुआ है और डी भी निकल जाएगा, A2 - A1। और इसमें हमको एन पता नहीं है कि कितना नंबर इसमें है, वो हमको पता नहीं है। अंतिम पद हमको मालूम है, अंतिम पद एन होता है, तो अंतिम पद 84 है। यानी कि हम एन की सहायता से हम एन निकालेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं यहाँ पे। लिखते हैं प्रथम पद, ए दिया हुआ है 7, सारवांतर डी दिया हुआ है A2 - A1। तो A2 है मेरा 10.1/2 - 7, तो हो जाएगा 10·20 = 21/2 - 7/1 कर देते हैं। इसका लसा लेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 21 - 2 = 14, यानी कि हो जाएगा 7/2, डी निकल कर आ गया। और अंतिम पद मेरा मालूम है, अंतिम पद होता है एन। एन मेरा दिया हुआ है 84, तो हमको एन निकालना है। और एन पता हो जाने के बाद एस एन निकालेंगे। तो हम एन निकालेंगे, एन की सहायता से हम एन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। एन बराबर A+(n-1)×d। तो एन है मेरा 84, तो यहाँ लिखेंगे 84 बराबर, ए का मान मेरा 7 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं 7 + (n-1)×d के माने 7/2। चौरासी, 7 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर (n-1)×7/2। तो घटेगा 14 में से 7 घटेगा 7, और यहाँ 7 हो जाएगा 77 बराबर (n-1)×7/2। 77 × 7/2, इधर आएगा तो 2/7 होगा बराबर (n-1)। 7 से कटेगा, 7 × 7, 7 × 7, और 11 × 2 = 22 बराबर (n-1)। इसीलिए एन बराबर हो जाएगा 22, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 22 = 23। एन मेरा निकल गया 23। अब हम ऐसे निकालेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला होता है मेरा (n/2)×(2a+)(n-1)×d। तो एन के मानते हैं S23, यानी कि 23 पदों का योग हमको निकालना है। तो 23/2 और ए का मान दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 7/2, और एन मेरा यहाँ पे एन 23 है, ये सब निकाल। तो ए का मान हो गया 7 + (n) हो गया 23 - 1, और डी का मान है 7/2।
तेईस बटे दो सत्ते 14 प्लस 23 में से कटेगा 22, 22 गुने 7 बटे 2, तो 2 से 22 कटेगा 11 से, 23 बटे 2 14 प्लस 11 सत्ते 77 यहाँ पे होगा, यहाँ होगा 23 बटे 2 गुने 7 4 11 8 1 9, यानि कि 23 गुने 91 बट्टे 2, तरफ वर्क हम करते हैं यहाँ पे, 91 में 23 से गुना करते हैं, 3 इकाई 3, 3 नमा 27, 2 इकाई 2, 2 नमा 18, यानी कि मेरा आ गया 20 93 गुना करने पर, यहाँ लिखते हैं 20 93 बटे 2 और इसको 2 से कट करेंगे तो जगह 10, 4 दुना 8, 6 दुना 12, यानी कि 1046 पूर्णांक 1 बटे 2, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक के योगफल हमको निकालना है कि जोड़ने पर कितना होगा, जिसमें हमको योगफल निकालने के लिए एक ए मालूम होना चाहिए और डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, और अंतिम पद हमको मालूम है 10 है लेकिन हमको एन पता नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रथम पद ए 34 सार्वंतर डी दिया हुआ ए टू माइनस ए वन, तो ए टू मेरा 32, ए वन है 34, ए टू मेरा 32 34 तो घटेगा तो माइनस के 2 होगा सार्वंतर डी, और अंतिम पद मेरा ए एन दिया हुआ है 10, तो हमको एन पता करना है, एन मालूम हो जाने के बाद हम ए से निकालेंगे। चलिए ए एन की सहायता से हम एन पता करते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन है मेरा 10, तो यहाँ लिखते हैं 10 बराबर एक माने 34 प्लस एन पता करना है माइनस वन, और डी का मान माइनस के 2 है तो यहाँ लिखते हैं माइनस के 2, 10 34 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर एन माइनस वन इंटू में माइनस 2, तो घटेगा 34 में से 10 घटेगा तो 24 माइनस में बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस 2, माइनस के 24 माइनस 2 इधर गुना में इधर गया तो भाग में बराबर एन माइनस वन, माइनस से माइनस कटेगा 2 से कटेगा 24 12 से, यानी कि 12 बराबर एन माइनस वन, माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 12 एक 13 इसलिए एन बराबर 13। हमको ए से निकालते हैं एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तीन के मान है मेरा 13 बट्टे 2 2 और ए के मान है मेरा 34, यहाँ पे लिखते हैं 34 प्लस एन दिया हुआ है 13 माइनस वन और डी का मान माइनस के 2 है तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2, 13 बटे 2 34 दुना 68 प्लस 13 में से घटेगा 12
और 12 में 2 से गुना होगा, 12 दूना 24 माइनस में 13 बटे 2 68 प्लस माइनस माइनस 24। और यहाँ लिखते हैं 13 बटे 2 गुने 68 में से 24 माइनस होगा तो 8 में से 4 घटेगा 4, और 6 में से 2 घटेगा 4 44, और 44 2 से कटेगा 22 है। तो यानी कि 13 गुने 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 27, 28, 286 मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, -5 + -8 + -11 + --+230, यानी कि ये सबको हमको जोड़ना है, ऐसे निकालना है कितना होगा, जिसमें हमको ये पता है। तो यहाँ लिखते हैं हल में, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए है -5, तो यहाँ लिखते हैं -5 सार्वंतर डी a2 - a1, तो a2 है मेरा -8 घटाओ -5, -8 माइनस गुने माइनस प्लस 5, तो 8 में से 5 घटेगा 3 माइनस में, पद मालूम है हमको, an, an बराबर होता है, अंतिम पद मालूम है -230। तो हम n निकालेंगे और n की सहायता से इसे निकालेंगे योगफल। तो यहाँ हम निकालते हैं an से, अब an बराबर a+(n-1)(d). एन है -230 बराबर ए है -5 प्लस एन, हमको पता करना है -1, और डी का मान है -3। -230 माइनस है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू में -3, 230 में से 5 माइनस होगा तो -225 बराबर n-1 इंटू में -3, तो -225 -3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटेगा 225, तो 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15 75 से, यानी कि n-1। तो लिखते हैं 75 बराबर n-1 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 75 1 76, इसलिए n बराबर हो जाएगा 76। तो हम SN अब निकालते हैं, चलिए SN निकालते हैं, तो मेरा n है 76/2, और a के मान है -5 प्लस एन है 76 - 1, और डी का मान है -3, 2 से कटेगा 76 है 16, 38 है, 38 2 5 10 माइनस प्लस 76 में से कटेगा 75, 75 - 3 22, 225। और यहाँ लिखते हैं 38 - -10 और -225 हुआ -235, और 38 में -235 है 235 गुने 38, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, और 8 2 16, 17 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7, 0 8 5 13 जगह
9 6 8 89 30 माइनस में ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल को।